मन त्याग के बाद बर्निंग पेन होना एक ऐसा सिम्टम है जिसको रोगी कई कई महीनों तक भी नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि मलद्वार पर होने वाली बर्निंग पेन का होना कई बार इतना तकलीफ देने वाला भी नहीं होता है कि उसके लिए उपचार को ढूंढा जाए। लेकिन रोगी हैरान तो तब होता है जब सामान्य से लगने वाली मलद्वार की ये बर्निंग सेंसेशन अपना विकराल रूप धारण करती है और रोगी समाज में निंदा को प्राप्त करता है और अपने सारे काम काज छोड़कर डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। इस इमरजेंसी कंडीशन में किस डॉक्टर को दिखाना है मरीज ये तक भी ठीक से सोच नहीं पाता। उसे तो बस अपने मलद्वार में होने वाली बर्निंग पेन से निजात चाहिए। फ्रेंड्स, पहली बात याद रखिए कि जब तक आप अपने मलद्वार में होने वाली बर्निंग सेंसेशन को नजरअंदाज कर सकते हैं, याद रखिए तभी तक यह प्रॉब्लम इस स्टेज में है कि वह आपके घरेलू उपायों से ठीक हो सकती है, क्योंकि मलद्वार में होने वाली जलन संकेत है इस बात का कि वहां कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चाहे वह गड़बड़ कब्ज के कारण मलद्वार में बनी हो, कब्ज के कारण सख्त मल पास आउट होने से मलद्वार इतना नहीं छिला कि फिशर हो जाए, लेकिन इतना तो जरूर छिल ही गया कि जलन पैदा हो जाए वहां पर, या फिर आप बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाने के आदि हो गए हैं, या फिर अल्कोहल का सेवन रोजाना करते हैं, या कई बार ऑपरेशन के बाद भी मलद्वार में जलन होने की शिकायत होती है। इसके अलावा पसीने के कारण भी मलद्वार में बर्निंग पेन हो जाती है, और जो लोग लंबे समय तक चेयर पर बैठे रहते हैं या रोजाना पूरे पूरे दिन गाड़ी चलाते हैं, जिनको पसीने के कारण मलद्वार में बर्निंग पेन हो सकती है। अब मलद्वार में होने वाली बर्निंग पेन के कई सारे कारण हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कड़ा मल होने के कारण होने वाली मलद्वार की बर्निंग पेन के बारे में। सख्त मल जब रोगी पास आउट करता है तो अक्सर ऐसा होता है कि मलद्वार छिल जाता है, लेकिन मलद्वार इतना नहीं छिला कि फिशर हो जाए, पर इतना तो छिल ही गया कि मलद्वार में छोटे छोटे इरोजन्स बन जाएं, मतलब कि मलद्वार में थोड़ी बहुत खरोंचे लग जाएं। ये जो थोड़ी बहुत खरोंचे या कहें कि इरोजन्स या स्क्रैचेस कह सकते हैं, ये छोटे छोटे जख्म मलद्वार में खारिश को, दाह को, बर्निंग सेंसेशन को या कहें कि मलद्वार में जलन को पैदा करते हैं। जब ऐसे मरीज को पर्रेक्टम एग्जामिनेशन करके चेक किया जाता है तो रोगी के मलद्वार में 6 o'clock और 12 o'clock पर, जहां पर फिशर का कट बनता है, वहां पर किसी भी तरह का दर्द या चुभन मरीज नहीं बताता। पर जब पर्रेक्टम एग्जामिनेशन में डॉक्टर को कोई संकेत फिशर की बीमारी का नहीं मिलता तो बर्निंग पेन का पता लगाने के लिए डॉक्टर मरीज की प्रोक्टोस्कोप से जांच करता है। तो प्रोक्टोस्कोपी में डॉक्टर देखता है कि रोगी के मलद्वार में या तो हल्की सी सूजन है या फिर मलद्वार पूरी तरह से लाल हो गया है, या कई मरीज में वो छोटे छोटे स्क्रैचेस नुमा जख्म दिखाई पड़ते हैं। तो डॉक्टर इन सभी संकेतों को देखकर मरीज को उसकी बीमारी बताते हैं और मरीज को दवाई देते हैं। इस कंडीशन में ऑपरेशन नहीं होता, और चूंकि मलद्वार में फिशर तो बना नहीं, पर ऐसा मरीज अगर अपनी इस समस्या का समय पर इलाज अगर ना कराए तो मरीज को फिशर बनने के 100% चांस होते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि फिशर अगर बन जाएगा तो जलन शांत हो जाएगी। जलन कई बार दर्द में बदल सकती है और कई बार बढ़ भी सकती है।
कई बार तो मरीज को फिशर होता है और पर ना उसे दर्द होता है और ना ही उसे जलन होती है। मलद्वार में जलन होने के कई सारे कारण हैं। सभी कारणों की चर्चा एक ही वीडियो में करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, पर सबसे बड़ा जो कारण जो इस कारण जिस कारण से सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो कह सकते हैं कि मलद्वार में दाह का अनुभव होना, जलन का अनुभव होना फिशर होने के पहले की स्टेज है। शुरुआती स्थिति में आप मलद्वार में कोकोनट ऑयल या फिर जात्यादि ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मरीज इनका उपयोग करना उस समय शुरू करते हैं जब समस्या अधिक बढ़ जाती है और जब उनको उचित लाभ नहीं मिलता है तो वो ये सोच बना बैठते हैं कि दवाइयां असर नहीं करती हैं, कि जात्यादि ऑयल काम नहीं कर रहा है। परंतु आप ऐसा मत कीजिए, आप समय रहते डॉक्टर से परामर्श जरूर लीजिए। जल्दी ही मिलेंगे मेरे नए वीडियो में जो कब्ज के ऊपर होगा। ये लीजिए, ये उसका थंबनेल देख लीजिए। मेरी वीडियोस देखने से आपको अपनी बीमारी की पूरी जानकारी हो जाए और आप रोग मुक्त हो जाएं, बस यही मेरी कामना है। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पाइंस आयुर्वेदा हॉस्पिटल से संपर्क करने के लिए 9988788443 नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए।